नमस्कार दोस्तों, साल 1945 जुलाई 16 तारीख में पहली बार न्यूक्लियर बम को एक्सप्लोजन किया गया और यह डिवाइस पूरी प्लेनेट को जला सकता था और यह वैसे ही काम किया जिस प्रकार से इसे बनाया गया था। और यह ट्रिनिटी नाम का पहला न्यूक्लियर विस्फोट न्यू मेक्सिको डिजर्ट यानी कि न्यू मेक्सिको के रेगिस्तान में हुआ था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी क्लाउड एवरेस्ट से भी ऊंचा तक पहुंच गया था और ये देखने के लिए एक मशरूम की तरह दिखाई दिया। तो इस पहले न्यूक्लियर बम विस्फोट के बाद इंसान को लगा कि वो न्यूक्लियर बम को काबू कर लिए, लेकिन ये उनकी गलत सोच था। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन सा ऐसा न्यूक्लियर विस्फोट जो कि स्पेस तक पहुंच गया था और कौन सा ऐसा न्यूक्लियर विस्फोट हिरोशिमा के बराबर था जिसे दूसरा हिरोशिमा नाम से भी जाना गया। और ये भी जानेंगे कि ये न्यूक्लियर विस्फोट कैसे मिलिट्री की एक्सपेक्टेशन से अधिक खतरनाक साबित हुआ। आज से 75 साल पहले नेवाड़ा से 100 किलोमीटर दूरी रेगिस्तान में 50s के टाइम पर करीब इस जगह में 1000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, लेकिन 1957 में उन्होंने कुछ नया करने के लिए सोचे, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। उन्होंने एक माउंटेन पर 150 मीटर जितना माइनिंग किए और उस माइनिंग के अंदर 29 किलोमीटर का एक बम गिराए। साइंटिस्ट को लगा कि बम से निकला हुआ एनर्जी माउंटेन के अंदर ही रहेगा, लेकिन जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट से निकला हुआ एनर्जी सीधे ऊपर तक आ गया, क्योंकि उस 29 किलोग्राम बम में से करीब 55 टन जितना एनर्जी निकला। तो पहली बार नाकामयाब होने के बाद वो फिर से दूसरी बार टेस्ट किए, लेकिन इस बार जिस अंडरग्राउंड माइन में टेस्ट किया गया उस जगह पर उसके ऊपर एक 90 kg का स्टील कैप लगा दिए ताकि विस्फोट से निकला हुआ एनर्जी माइनिंग के अंदर रह सके, लेकिन यहाँ पर भी उनका सोच गलत निकला। तो विस्फोट जब हुआ तो उस कैप में करीब 300 टन जितना फोर्स लगा, जिसके वजह से वो 90 kg का कैप लगभग 60 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारे एटमॉस्फेयर तक चला गया। ये स्पीड इतना ज्यादा था कि ये अपोलो मिशन की रॉकेट से 6 टाइम ज्यादा था। तो ये 90 kg का स्टील कैप 1957 के टाइम पर पहला ऑब्जेक्ट हो सकता था हमारे स्पेस में ट्रेवल करने वाला, लेकिन ये स्पेस में जाते टाइम ये पूरी तरह जल गया, ये पूरी तरह गायब हो गया। 1955 में सोवियत मिलिट्री ने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया को अपना डेडली हथियार दिखाने के लिए, तो जो फेडरो पावलोवच गार्बाचको ने RDS-37 हाइड्रोजन बम को प्लेन में लेके उड़ान भरते हैं अपने न्यूक्लियर बम को टेस्ट करने के लिए। तो ग्राउंड से 12 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद मौसम खराब हो जाता है, जिसके वजह से उनके रडार सिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन वो ऐसे ही खराब मौसम में भी ये बम को बिना लोकेशन के जाने गिराने के लिए सोच रहे थे, लेकिन एंड टाइम पर बम को ना गिरा के उन्होंने बम के साथ लैंडिंग किए। तो 2 दिन के बाद किसी तरह इस बम को टेस्ट कर लिए। तो टेस्ट के दौरान जब विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट में से करीब 1.6 मेगाटन जितना पावर निकला और इस विस्फोट से निकले वाला क्लाउड करीब 12 किलोमीटर ऊपर तक चला गया और इस विस्फोट से निकला हुआ शॉक वेव करीब 200 किलोमीटर तक चला गया और इस 200 किलोमीटर के अंदर जितना भी सारे बिल्डिंग थे उन सबको ये डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सोवियत को ये पहले से ही अनुमान था कि उनका हाइड्रोजन बम कितना डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन उस विस्फोट से जितना भी एनर्जी निकला उससे सोवियत ने सेटिस्फाई नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने 1961 अक्टूबर 30 तारीख में आर्कटिक आइलैंड की नोविया जाम्बिया में हिस्ट्री की सबसे बड़ी बम करीब 27 टन जितना हेवी टीजार बम को गिराया। सोवियत को पहले से ही पता था कि इस बम को गिराने के बाद उनके पायलट को सेफली वापस आने के लिए सटीक टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए सोवियत ने इस टीजार बम को एक पैराशूट के साथ ग्राउंड से करीब 4 किलोमीटर ऊपर से गिराए ताकि उनके पायलट को सेफली वापस आने के लिए टाइम मिल सके। तो जब यह टीजार बम ग्राउंड में हिट किया, नोबिया जाम्बिया में एक नया सूरज दिखाई दिया। इस टीजार बम विस्फोट में से करीब 58 मेगाटन जितना एनर्जी निकला। इस विस्फोट को नोविया जाम्बिया से करीब 1000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड और अलास्का में भी खड़े होकर देख सकते थे। तो इस विस्फोट से जो मशरूम क्लाउड निकला वो करीब 65 किलोमीटर तक ऊपर तक चला गया। तो सोवियत ने अगर इस टीजार बम को वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में गिरा देते तो अमेरिका में एक भयानक से भूकंप देखने को मिलता है। तो 40s के टाइम पर बिकिनी अटोल में करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया गया था। तो 1946 में एक बकर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, तो करीब 90 टारगेटेड शिप को एक साथ में रखा गया
और उसके बाद एक शिप के नीचे करीब 27 मीटर डीप समंदर के नीचे उस बम को एक्सप्लोजन किया गया। तो एक्सप्लोजन के बाद सभी शिप को उस बम ने डिस्ट्रॉय कर दिया और करीब हवा में 2.5 बुर्ज खलीफा जितना हाइट तक पानी को फेंक दिया। 1946 बिकिन अल्ट्रो टेस्ट से 6 साल के बाद उस न्यूक्लियर बम को और थोड़ा ज्यादा पावरफुल करके 1 नवंबर 1952 में फिर से टेस्ट किया गया। तो इस टेस्ट का कोड नेम था ईवी माइक। तो इस विस्फोट से करीब 10.5 मेगाटन जितना एनर्जी निकला और ये 400 बकर टेस्ट जितना पावरफुल भी था। और ये थर्मो न्यूक्लियर बम अमेरिका का पहला न्यूक्लियर बम था जो कि इतना पावरफुल निकला। इस विस्फोट से निकला हुआ क्लाउड करीब 37 किलोमीटर ऊपर तक चला गया और जिस जगह में ब्लास्ट हुआ उससे 56 किलोमीटर तक सब कुछ न्यूक्लियर रेडिएशन ने तबाह कर दिया। साल 1954 के टाइम पर यूएस ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल में स्टेरॉयड को डाल चुके थे। तो 1954 मार्च 1 तारीख के दिन बिकिन अल्टो के जगह में यूएस के मिलिट्री ने एक ऑपरेशन कैसल ब्रावो नाम से एक न्यूक्लियर टेस्ट किए। उनको लगा कि इस विस्फोट से करीब 6 मेगाटन जितना एनर्जी निकलेगा, लेकिन थर्मोन्यूक्लियर बम ने कुछ और कहा। इस विस्फोट से करीब 15 मेगाटन से भी 2 गुना एनर्जी निकला। वो इसलिए हुआ ना, उस न्यूक्लियर बम में जो लिथियम डिट्रोइट था तो उसका काम था कि थर्मो न्यूक्लियर बम को धीमा करने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसमें रिएक्शन हो जाता है। तो रिएक्शन के वजह से करीब 7 किलोमीटर तक एक फायरबॉल देखने को मिला और मशरूम क्लाउड 400 किलोमीटर तक ऊंचा और 100 किलोमीटर तक वायर तक पहुंच गया। तो टेस्ट नेगेटिव निकलने के वजह से करीब 23 जापानीज फिशरमैन की मौत हो जाता है। तो ये विस्फोट को लेके रिपोर्टर ने ये छपे कि कैसल ब्रावो दूसरा हिरोशिमा निकला। तो इस भूल के चलते अमेरिका ने जापानीज गवर्नमेंट को $15 मिलियन पे किए। तो और 2 महीने के बाद फिर से उस बिकिनी आटो में फिर से टेस्ट किया गया। तो इस विस्फोट से अब 13.5 मेगाटन जितना एनर्जी निकला और इस बार भी ये थर्मोन्यूक्लियर बम इस पैसिफिक ओशन में नहीं रुका, बल्कि 4 दिन के बाद रेडिएशन मेक्सिको एंड वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट तक पहुंच गया और करीब 65 साल के बाद भी आज इस जगह के एनवायरमेंट में इतना प्लूटोनियम घूमता है कि ये करीब 1000 चेर्नोबिल पावर प्लांट के एक्सप्लोजन से भी ज्यादा खतरनाक है। तो आप सोच सकते हैं कि इस जगह में कितना ज्यादा प्लूटोनियम घूमता होगा। तो इस प्रकार के हादसा के बाद 1963 में यूएस, यूके और यूएसएसआर ने इन तीनों कंट्री के प्रेसिडेंट एक पेपर में सिग्नेचर किए कि आज से इस न्यूक्लियर बम को कभी भी सरफेस में टेस्ट किया नहीं जाएगा। तो इसके बाद आज तक न्यूक्लियर टेस्ट को कभी भी किया नहीं गया। अब जो टेस्ट किया जाता है उसका दूरी टेस्ट किया जाता है कि वो कितना किलोमीटर तक जाके अपना टारगेट को हिट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था दुनिया का 7 मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर टेस्ट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सेव वाटर। जय हिंद, जय भारत।